और इस वक्त की एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चार धामों में से एक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। इस मौके पर आप देख सकते हैं अखंड ज्योति के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। वहीं सेना के बैंड ने कपाट खुलने के मौके पर सलामी दी। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही धाम में स्थित प्राचीन मठ मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया। इससे दो दिन पहले केदारनाथ धाम के भी कपाट खोले गए और आज सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। सेना ने यहां पर आपको बता दें अब से कुछ देर में कपाट खोलेंगे। फिलहाल आर्मी बैंड के जरिए सलामी दी जा रही है और ये एक प्रक्रिया है। हर साल जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं इसी तरह सेना के बैंड के साथ ही इसकी शुरुआत होती है और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें ये कपाट खुल जाएंगे। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। आज हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है और इसीलिए सुबह से ही देखिए कैसे मंदिर के बाहर लोग इंतजार करते हुए मंदिर को फूलों से बड़ा ही मनमोहक तरीके से सजाया गया और अब से कुछ ही देर में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बद्री विशाल के दर्शन के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस की जो बैंड है वो इस वक्त वहाँ पर धुन को प्ले कर रहे हैं। और उसकी वजह होती है कि कहा जाता है कि यहाँ पर आपने देखा था केदारनाथ में पहले किस तरह से पाइप बैंड्स मौजूद थे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ITBP के जवान इस वक्त अपने बैंड्स के साथ पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर एक उत्सव का मौका होता है पूरे उत्तराखंड में जब चारों धामों में से एक एक करके कपाट खोले जाते हैं और इसके बाद ही पूरे देश से बड़ी तादाद में लोग, देश दुनिया से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बद्री धाम जो आप देख रहे हैं, बद्री विशाल का एक बहुत बड़ा महत्व है पूरे उत्तराखंड में और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो लोग हैं ये अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, उनके परिवार इनके साथ जुड़ा रहता है बद्री धाम के साथ। और यहाँ पर ही इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर देश का आप कह सकते हैं कि पहला या फिर आखिरी गाँव जिसे कहा जाता है माणा भी मौजूद है। और गाँव के तमाम जो लोग हैं या आसपास का जो पूरा इलाका है और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य नहीं, यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की इस मंदिर को रखा था, आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। जोशी मठ भी एक अहम जगह है। जोशी मठ से ही थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तब जाकर आप बद्रीनाथ पहुँचते हैं और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद इंतज़ार रहता है लोगों का कि आखिरकार कब वो वक्त आएगा जब एक बार फिर से कपाट खुलेंगे। क्योंकि तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं और साथ ही बद्रीनाथ धाम में इस वक्त काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क भी चल रहा है जिसके लिए अब धीरे धीरे लोगों का आना वहां पर और बढ़ता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।